कांग्रेस झारखंड में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष का कर रही है चुनाव। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस सरकार चला रही है। झारखंड में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर लगातार मंथन चल रहा था। अब अलग अलग जगह नए जिला अध्यक्ष को मौका दिया जा रहा है ताकि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो। आज रांची जिला अध्यक्ष के तौर पर कुमार राजा को, जबकि ग्रामीण जिला के अध्यक्ष के तौर पर राकेश किरण महतो को चुना गया। नए जिला अध्यक्ष कांग्रेस को कितना मजबूती प्रदान कर पाएंगे, ये तो कुछ समय के बाद पता चलेगा। परंतु झारखंड में कांग्रेस का वोट बैंक पर तो रहा है। आम आदमी पार्टी झारखंड में भी अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है। अब यह देखना होगा क्या झारखंड में कांग्रेस अपनी पुरानी जनाधार को वापस पाएगी। आइए आपको सुनाते हैं नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष ने क्या कहा। देखिए, परिवर्तन और बदलाव जो है प्रकृति का नियम होता है। उस नियम के तहत इस जिले के शहर अध्यक्ष आदरणीय संजय पांडे जी, ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय सुरेश बैठा जी की जगह पर कुमार राजा जी जो शहर के अध्यक्ष बने हैं और राकेश किरण महतो जी ग्रामीण के बने हैं। निश्चित रूप से तो इन लोगों ने एक लंबी तकलीफ की है, संजय पांडे और सुरेश बैठा जी ने, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पूरा हमें विश्वास है कि जिस तरह से युवाओं को जिम्मेदारी मिली है, आने वाला समय रांची में कांग्रेस का होगा और सिर्फ एक ऐसा उन्होंने करके दिखाया है। जैसे महात्मा गांधी कुछ बोलते थे तो करते थे, वही आज नए अध्यक्षों के लिए ये चुनौती रहेगा, ये टास्क रहेगा, ये जिम्मेवारी रहेगी। ये राकेश किरण महतो और कुमार राजा दोनों परिपक्व हमारे हैं और ये जो सुरेश बैठा है आप देख रहे हैं, ये एक मंजे हुए नेता रहे हैं। संजय पांडे जो रहा है वो भी महानगर का, तो जो छोड़ के गए हैं उससे बहुत आगे बढ़ना है इन्हें। यही शुभकामना है, हम सब लोग कार्यकर्ता की हैसियत से इनके साथ जुड़े थे। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से पूरी जो हमारी सांगठनिक प्रक्रिया थी उसका बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हुए जो एक्चुअल में जो लोग काम करते थे पूरे राज्य में, उन लोगों का उन्होंने चयन किया है। बड़ी जिम्मेदारी जो जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने का है, वो काम उन्होंने अच्छे लोगों को पूरे राज्य में दिया है। तो सबसे पहले तो आला कमान को धन्यवाद है। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी में वर्तमान समय में जो जिला स्तर पर संगठन की जो दायित्व होता है, उस दायित्व का मैं बेहतर तरीके से, जो दायित्व का निर्वहन बेहतर तरीके से हो, इसका हम लोग सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ संगठन का लाभ राज्य की जनता को, अपने जिले की जनता को कैसे हम लोग दे पाए, इसका हमें खास ध्यान रखना होगा। और जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे संगठन के भी जो लोग, तो चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी के हों, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबों को हम कैसे कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ सकें, कैसे युवाओं को, महिलाओं को, जो वंचित समाज है उसको हम कैसे मुख्य धारा में जोड़कर आज के समय में जो पूरे देश को दिग्भ्रमित करने वाली शक्तियां हैं उनसे हम कैसे उसको हटाकर अपनी जो पार्टी की जो विचारधारा है जिसका ये देश जो है शुरू से अनुयायी रहा है, हम उस दिशा में पार्टी को ले जाना चाहेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का भी भविष्य उज्ज्वल हो और राज्य की जनता, यहाँ की जिला की भी जो जनता है उनको भी इसका लाभ मिले, इसका हम लोग खास ध्यान रखेंगे। इस प्रण के साथ कि हम लोगों ने कांग्रेस के परंपरा को, कांग्रेस के सिद्धांतों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके धनबाद के गोविंदपुर शहर में डिवाइन पब्लिक स्कूल, यहाँ बच्चे को सिर्फ शिक्षा नहीं संस्कार भी दी जाती है।